अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपको बिल्ट इन एंड्रॉइड सिस्टम, स्पेसिफिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज अ 4K पैनल एंड 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफी सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, 3 आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, HDMI पोर्ट मिल जाता है और आपको C पोर्ट जो है वो भी ऑप्शन मिल जाता है एंड पीछे की तरफ भी आपको काफी सारे पोर्ट जो है वो मिल जाते हैं। वाईफाई के साथ ही कनेक्ट हो जाता है, आप इसको एज अ टेलीविजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये आपका डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है। सो बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इसमें आता है वो आता है एंड्रॉइड एंड अगर आपको इसमें लाइक CPU चाहिए अलग से, डेस्कटॉप की तरह भी आपको अगर इसको इस्तेमाल करना है तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। तो जैसे यहां पे डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला हुआ है मैंने आपको बोला एंड ये हमारा पूरा का पूरा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें यहां पे i5 10 जनरेशन जो है वो देखने को मिल जाता है एंड 8GB की रैम जो है वो देखने को मिल जाती है और अगर मैं यही इसमें यहां पे स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज में आपको यहां पे 100GB की स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। बट ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, जो इसके प्राइजेज हैं वो ऊपर या नीचे होते रहेंगे। अगर मैं यही यहाँ पे एंड्रॉयड की स्पेसिफिकेशन की बात करूं, सो एंड्रॉयड में हमें यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है एंड 4GB रैम और 32GB स्टोरेज स्पेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है।